दुबई में कैफे और रेस्टोरेंट की सफाई तकरीब में बॉलीवुड का तड़का लगा। अदाकार सुनील शेट्टी और रवीना टंडन ने शिरकत करके तकरीब को चार चांद लगा दिए। मजीद जानते हैं मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। दुबई में हुई कैफे और रेस्तरां की इफ्तिताही तकरीब जिसमें भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने सितारों ने शिरकत की। एक्शन हीरो सुनील शेट्टी और अदाकारा रवीना टंडन के अलावा मॉडल अदाकार शावर अली और बॉलीवुड हिदायतकारा फौजिया आरशी शरीक हुई। इस मौके पर 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में सुनील शेट्टी ने अपने आइंदा वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया। काफी प्रोजेक्ट्स हैं, अभी एक प्रोजेक्ट में साइलेंट फिल्म है वो जो फ्लोर पे जा रही है जल्दी, इट्स कॉल्ड चेक इन चेक आउट, एक कॉमेडी है और एक साइलेंट फिल्म है, बहुत सालों बाद एक साइलेंट फिल्म आ रही है, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म। रवीना टंडन का कहना था कि वो अभी कोई फिल्म नहीं कर रही है लेकिन कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिला तो जरूर करेंगी। मेरी एक ही फिल्म अभी हाल ही में रिलीज हुई मात्र, अब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ और कुछ अच्छा अगर आए तो डेफिनेटली करूंगी। हिदायतकार और प्रोड्यूसर फौजिया आरशी ने पाकिस्तानी मुसन्निफा हसीना मुइन के नॉवेल्स पर फिल्म बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने मजीद कहा कि वो सनी देओल की फिल्म प्रोड्यूस कर रही है जिसमें वो पहली मरतबा डबल रोल में नजर आएंगे। मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज, दुबई।